ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मार डालो बोलना उन लोगों को, कर्मीर को, नरेंद्र मोदी को बोलो उसको कि चेहरे दे दो बोलना लाइक। हमारा बच्चा मर रहे लाइक, दवा नहीं दे रहे लाइक, यहाँ पे रुबाब कर रहे ले लो। हम यहाँ लाइन लगाते दो दो तीन तीन घंटा लाइन लगाने के बाद पाँच मिनट लेट हुआ तो डॉक्टर नाराज हो जाते, फिर सदर बंद कर देते, दवाई नहीं देते, पब्लिक को भगा देते। आधार कार्ड मांग रहे, अब आधार कार्ड नहीं बन पाया, नहीं हो पाया तो बोलते नहीं तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम्हारा कोई चेकअप नहीं होगा। वो दवा देते नहीं है, आधार कार्ड मांग रहे थे, छोड़ी में एडमिट था तो आए थे दवा लेने के लिए, तो दवा बोलते नहीं मिलेगा, आधार कार्ड लेकर तो दवा देंगे। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड है या नहीं है ये कोई इशू नहीं है, दवा मिलनी चाहिए। चार दवाएं तो एक दवा नहीं रही, आप किसी को भी पूछ लेंगे ना कोई भी बता देगा खाली या तो रिटर्न जाता है। जो छः साल बच्ची थी जो सर्दी बुखार से तड़प रही थी, इतना बड़ा जिगर था वो डॉक्टर ने कहा कि उसने उसको दवा तक नहीं दी। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। सरकार एक तरफ टीबी के मरीजों के लिए एडवर्टाइजिंग कर रही है कि फ्री में इलाज हो, तो वहीं दूसरी तरफ पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं हो रही है। ये मामला मुमरा की है। मुमरा में मरीज को लेकर अब आवाज़ उठने लगी है कि मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही है। सरकारी अस्पताल में मरीज घंटों कतार में खड़े हैं, लेकिन उन्हें बिना दवाइयों के घर वापस लौटना पड़ रहा है। अस्पताल में बिना आधार कार्ड के दवाइयां डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। आधार कार्ड नहीं है तो दवा नहीं मिलेगी, ये पीड़ित मरीज का कहना है, सुनिए। हम यहाँ लाइन लगाते दो दो तीन तीन घंटा लाइन लगाने के बाद पाँच मिनट लेट हुआ तो डॉक्टर नाराज हो जाते, फिर सदर बंद कर देते, दवाई नहीं देते, पब्लिक को भगा देते। लेकिन हम एक बार दो बार आएंगे, जब दवा देने के लिए इतना मचमच होता फिर दोबारा हम आते नहीं है, परेशान हो जाते हैं। बच्चे की स्कूल का खड़ा करना पड़ता है, लाइन लगाने के बाद बच्चे स्कूल खड़ा करे तो भी दवा नहीं मिलती। इन लोगों को बोलते तो बोलते कंप्लेंट लिखा हमारे पास में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो बाजू में डॉक्टर नहीं बैठती है, उसको नहीं मालूम है कि दवा आती है कि नहीं आती यहाँ पे, और हम लोग को जबरदस्ती का भेजते। हमारे एक एक दिन हम लोग कमाते तो खाते, नहीं कमाएंगे तो भूखे रहेंगे, तो हम लोग दवा कहाँ से लेंगे। वो मैडम को भी मालूम है कि दवा यहाँ पे नहीं आती, तो हम लोग दवा कहाँ से लेंगे बताओ। मेरी लड़की एकदम जाके अभी घर पे देखो रो रही है, एकदम मर रही है, एकदम मार डालो बोलना उन लोग को, गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को बोलो उसको कि चेहरे दे दो बोलना लाके। हमारा बच्चा मर रहा, दवा नहीं दे रहा यहाँ पे, रुबाब कर रहे ले लो हमारे से, हम क्या करेंगे, मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है हम लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इधर पे। कौन आपके साथ मतलब ये कर रहा है, डॉक्टर? हाँ डॉक्टर लोग कर रहे हैं, ये तो दवा देता ही नहीं हमारे को, क्योंकि तीन साल से दवा चालू है, साढ़े तीन साल से। उसका नाम विनोद है, विनोद। हाँ विनोद, विनोद बोल के वो दवा देता ही नहीं हमारे को। वो बोलती है कि हमारे को कंप्लेंट निकाल देना चाहिए, तो तुम बाजू में ही बैठते थे, तुमको मालूम नहीं कि दवा है क्या नहीं है। हाँ अब कंप्लेंट लिखाना ही मांगता है तुमको। हाँ इतने 100 आदमी दवा, टीबी के मरीज लोग है इधर पे, किसी को दवा नहीं मिल रही यहाँ पे बराबर से। मैं XDR पेशेंट हूँ, यहाँ 2 साल से दवा ले रही, लेकिन 2 साल में भी मुझे ना बहुत काफ़ी इतने दिन है कि मुझे मेडिकल से दवा लेनी पड़ी। मेरी जो दवा मेन है वो बोलते हैं कि यहाँ से फॉर्म भरो फिर वहाँ से ले सकते दवा, तो मैं जब मैम को दिखाती हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं मतलब कलवा जाओ तुम्हारा ऐसा है, और फिर कलवा जाओ तो कलवा बंद रहता है, ये भी नहीं बोलते कि आप छुट्टी है कल नहीं जा रहा। यहाँ पे कितने बजे तक आप खड़े रहते हैं उसके बावजूद आपको दवा नहीं मिलती, बोलो? एक घंटा हो जाता है, कभी डेढ़ घंटा हो जाता है। तो अभी ढाई घंटे से खड़े हैं आज का बोलते। मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर ये सरकारी दवाखाना है, जहाँ घंटों मरीज कतार में खड़े रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें दवा नहीं मिलता। एक बात हम आपको बता दें, पीड़ित पेशेंट का कहना है, खड़ी मशीन रोड पर खुले सरकारी दवाखाना जहां पर एक महिला डॉक्टर और एक दवा देने वाले विनोद और साथ ही साथ करुणेश नामक वॉचमैन की करतूत से हर पेशेंट परेशान है। ये लोग अपने करतूतों से फेमस हैं, हर पेशेंट ने इनकी शिकायत तब करने लगे जब प्रहार टाइम्स के संवाददाता खड़ी मशीन रोड पर दवाखाने के पास पहुंचे, जहां मरीज अपनी कतारों से बाहर निकलकर शिकायत करने लगे। अब सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल में दवा लेने से पहले आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो दवा नहीं मिलेगी। ये मुमरा के डॉक्टर का कहना है, जहां पेशेंट ने किया है इसका खुलासा, सुनिए। टीबी हम चेकअप कराने वाले तो हमसे ये कार्ड मांग रहे, वो कार्ड मांग रहे, आधार कार्ड मांग रहे,
अब आधार कार्ड नहीं बन पाया, नहीं हो पाया तो वो बोलते नहीं तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम्हारा कोई चेकअप नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक नाम है। प्रतीक हुआ सर। क्या हुआ था यहाँ पे? वो दवा देते नहीं है, आधार कार्ड मांग रहे थे। छिड़ी में एडमिट था तो आया था दवा लेने के लिए, तो दवा बोलते नहीं मिलेगा, आधार कार्ड लेके आओ तो दवा देंगे। और आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं है आधार कार्ड मेरे पास। अरे तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कौन? माँ बाप? माँ बाप गुजर गए। तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है? कितनी चक्कर आपने लगाई है यहाँ की दवा? अभी कम से कम एक महीना हो गया। अच्छा, एक महीने से आपको दवा नहीं मिल रही है? नहीं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरता नहीं, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। जब भी जाओ एक दवा नहीं रहेंगी, कोई भी ऐसे चार दवा है तो एक दवा नहीं रहेंगी, या किसी को भी पूछ लेंगे ना कोई भी बता देगा खाली हाथ, तो रिटर्न जाता है। मैंने अभी बात की टीएमसी हेड ऑफिस में, डॉक्टर जो है आरोग्य डिपार्टमेंट में शीतल मैडम करके, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड है या नहीं है ये कोई इशू नहीं है, दवा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको ये कई चक्कर जो प्रतीक चक्कर काट चुका है, इसको दवाई नहीं दी, इसकी हालत आप देखें बहुत ख़राब है। आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट को जो है वजह बना के दवाई नहीं दी जा रही और सताया जा रहा है। टीबी बोलकर नहीं, यहाँ पर सर्दी खांसी जुकाम ये जो भी बीमारी यहाँ पर आते हैं तो लोग इनको यहाँ के जो डॉक्टर्स है गोड़े ये लोगों को मिसगाइड कर रही है। और ऐसी एक कंप्लेंट पहले हमने दे चुके हैं, कोर्ट तक पहुँचे हैं कि एक मासूम बच्ची जो 6 साल बच्ची थी जो सर्दी बुखार से तड़प रही थी, इतना बड़ा जिगर था वो डॉक्टर ने कहा कि उसने उसको दवा तक नहीं दी, जिसकी कंप्लेंट हम लोगों ने उच्च अधिकारी वो कोर्ट तक पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ़ हम रोड पर उतरेंगे, कि लोग यहाँ पर अच्छे होने आते हैं बल्कि मरने नहीं आते। यहाँ पर लोग कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड है तो आपको दवा मिलेगी, अगर आपके पास में 4 अल्टरनेट नंबर नहीं है तो आपको दवा नहीं मिलेगी। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है। आपने सुना, ये पेशेंट है टीवी का और इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इन्हें दवा नहीं मिलेगी। हालांकि ये सरकार ने नहीं कहा है बिना आधार कार्ड के दवा नहीं मिलेगी, ये मुमरा के सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों का कहना है। पिछले दिनों प्रहार टाइम्स में टीवी के व अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाया था प्रहार टाइम्स ने, और आज फिर एक बार पीड़ित पेशेंट ने इनकी पोल खोल दी है। यहाँ डॉक्टरों की मनमानी से एक पीड़ित बेटी का पिता किस तरह से बोलते हुए रो पड़ा। आपने सुना, एक पिता ने अपने बेटी को इलाज के लिए किस तरह से यहाँ दर बदर भटक रहा है, और लापरवाही यहाँ के डॉक्टरों की देखकर जो है वो प्रहार टाइम से बात करते हुए रो पड़ा। और इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं यहाँ की हालात क्या है। और इन्हीं मामलों को लेकर स्थानीय समाज सेवक अयूब खान ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। आपने सुना पेशेंट की कहानी, जहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजिंग में और यहाँ टीवी के मरीजों को दवा नहीं मिल रहा है। इन गरीब बीमार पेशेंट जाए तो कहाँ जाए, ठाणे महानगर पालिका इसकी जाँच करे, क्या है दवा खानों की हकीकत। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।